सर्जिकल एनाटमी के ब्रेस्ट की ब्रेस्ट एक्सटेंड करती है फ्रॉम सेकेंड टू सिक्स मिड क्लेविकुलर लाइन वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली कैसे फ्रॉम लेटर बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम टू इंटीरियर और मिड एक्सिलरी लाइन। एक्सिलरी टेल ऑफ स्पिन्स क्या होती है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रेस्ट विच एक्सटेंड्स टू एक्सिला एंड टी एन एम स्टेजिंग होती है वो आपको पता ही है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ब्रेस्ट के, दैट इज ग्लैंडुलर विच इज़ द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द ब्रेस्ट, स्ट्रोमल विच इज़ इन बिटवीन द ग्लैंडुलर एलिमेंट एडिपोल्स। देन ब्रेस्ट इज सपोर्टेड बाई सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर विच एक्सटेंड्स फ्रॉम पेक्टोरलिस फेशिया टू स्किन ऑफ द ब्रेस्ट। निप्पल के पास लिगामेंट ऑफ कूपर नहीं है, पकरिंग टीथरिंग डिम्पलिंग रिट्रैक्शंस होती हैं वहाँ पर और बेनाइन कंडीशंस में फाइब्रोसिस होती है, मेलिग्नेंट कंडीशंस में और इंटेंस फाइब्रोसिस होती है। बेनाइन कंडीशंस में निप्पल सिमेट्रिकली रिट्रैक्ट करता है और मेलिग्नेंट कंडीशंस में निप्पल एसिमेट्रिकली रिट्रैक्ट करता है। फिर कंजेनिटल रिट्रैक्शंस जो होती हैं वो शॉर्ट लैक्टिफेरस डक्ट की वजह से होती हैं। फिर आते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेस्ट जिसके ब्रांचेज आते हैं फ्रॉम इंटरनल मेमोरी आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी और पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। सिमिलरली सेम फॉर वीनस ड्रेनेज। मोस्ट कॉमन मोड क्या स्प्रेड ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर अगर हो गया, दैट इज लिम्फेटिक्स। इट ऑल्सो स्प्रेड्स बाई ब्लड बोन डिस्टेंट मेटास्टेसिस एंड मोस्ट कॉमन क्या है, बोन। बोन में भी क्या, पहले लंबर फिर फीमर फिर थोरेसिक वर्टिब्रा। बैट्स एंड प्लेक्सिस के थ्रू ये मेटास्टेसिस करते हैं। बेसिकली दो चीज़ें, एक नीचे जा रहा है एक ऊपर जा रहा है। जो नीचे जा रहा है वो लंबर वर्टिब्रा के पास जा रहा है और जो ऊपर जा रहा है वो बैट्स एंड प्लेक्सिस के थ्रू वो ड्यूरल वीनस साइनस में जा रहा है, वहाँ से लेफ्टोमेनिन्जेस में जा रहा है और वहाँ से ब्रेन मेटास्टेसिस हो रही है। फिर आता है कि लिम्फ नोड्स जो होते हैं कैसे होते हैं, तीन तरह के होते हैं, एक्सिलरी इंटरनल मेमोरी और पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड्स। एक्सिलरी लिम्फ नोड्स 6 होते हैं, इंटीरियर पोस्टीरियर सेंट्रल लेटरल और एपिकल और एक रोटार ग्रुप होता है दैट इज इंटरपेक्टोरल। सर्जिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है लिम्फ नोड्स की एंड दे आर 1-3 लेवल्स। फर्स्ट इज APL इंटीरियर पोस्टीरियर एंड लेटरल। एंड एक चीज़ जो ध्यान करने वाली है जो MCQ में भी आ जाता है कि पोस्टीरियर को सब स्कैपुलर भी बोलते हैं। फिर 2 इज सेंट्रल एंड रोटार ग्रुप एंड 3 इज एपिकल ग्रुप। एंड इसका जो लिम्फ नोड्स के तीनों लेवल्स हैं दे आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ पेक्टोरलिस माइनर मसल। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी मसल पे डिपेंड होता है, तो वहीं बात MCQ में मेजर दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ पेक्टोरलिस माइनर मसल से अकॉर्डिंग इनका डिस्ट्रीब्यूशन है तीन लेवल्स में। लेवल 1 इज पेक्टोरलिस माइनर के नीचे एंड लेटरल, लेवल 2 इज पीछे एंड लेवल 3 इज ऊपर एंड मीडियल। तो याद करने के लिए निमोनिक है नीचे पीछे ऊपर, कि पहले पेक्टोरलिस माइनर के नीचे है दैट इज़ लेवल 1, पेक्टोरलिस माइनर के पीछे है दैट इज़ लेवल 2 एंड पेक्टोरलिस माइनर के ऊपर है दैट इज़ लेवल 3। एंड सेंटिनल लिम्फ नोड्स होते हैं, फर्स्ट ड्रेनिंग लिम्फ नोड लेवल 1 होते हैं, दैट इज़ मोस्टली कौन से होते हैं, इंटीरियर होते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये कुछ प्रोफेशनल एग्जाम्स का भी लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें वो ब्रेस्ट की सर्जिकल एनाटमी पूछ लेते हैं। मेनली आपको रोटार ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए और डिवीजन पता होना चाहिए लिम्फ नोड्स की, सर्जिकली एनाटमी के लिए अलग होती है। एंड जो दूसरा है वो ये पता होना चाहिए कि उसका एक्सटेंशन कहाँ से होता है, फिर ब्लड सप्लाई वीनस सप्लाई और अगर कैसे स्प्रेड होता है कैंसर वो पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर। बाकी आप डायग्राम बना देना ब्रेस्ट का। थैंक यू।